पिछले 5 साल में सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे क्यूट बच्चा हमारा चारू यादव है, वो आज यहाँ पे है। इसका स्कोर 705 था और इसका नीट का रैंक 82, ओल्ड रैंक 82 था। और ये एम्स दिल्ली से अपना डिग्री कर रही है, 2 साल इसने पूरे कर लिए। इसके पापा भी आए हुए हैं, आप और ये बच्चा सिक्कर इंडस्ट्री के लिए भी एक माइलस्टोन है। ये बच्चा वो है जिसने पूरा कोविड फेस किया, उसके बाद में इसने ऑल इंडिया 82 रैंक स्कोर किया था। गुड इवनिंग सबको, मैं चारू यादव, मैंने यहाँ से 10th पास करी थी, उसके बाद 11th 12th मैंने दोनों CLC सीकर से करी थी। 11th में मैंने एडमिशन लिया था, 11th एकदम ठीक चली थी, फिर उसके बाद जैसे ही 12th स्टार्ट हुई तो कोविड आ गया, उसके बाद सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन मेरी पूरी 12th गई थी, लेकिन उसके अंदर मेरा जो स्कोर था टेस्ट का वो काफ़ी कम था, 600 तक आ गया था, उससे नीचे भी आए थे काफ़ी मार्क्स। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, उसके बाद अक्टूबर में मैं वहाँ पे चली गई थी वापस सीकर, और वहाँ पे फिर बॉस ने अलग से कंप्यूटर लगवाया मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए, फिर ऑफलाइन मैंने टेस्ट दिए थे वहाँ पे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी थी। फिर उसके बाद हमारा पेपर भी काफ़ी डिले हो गया था, लेकिन उसके बाद भी फिर बहुत सारे टेस्ट हुए थे, उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट था कि उससे ज़्यादा टेस्ट देने से मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ज़्यादा कि हाँ मतलब इतने नंबर तो पक्का आएंगे, अगर पेपर हार्ड आए तो इससे थोड़े से कम आ जाएंगे, वरना इतने तो आएंगे। और फिर 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया था 705 मार्क्स के साथ, और इस बार मैं दिल्ली एम्स से फिर मैं MBBS कर रही हूँ, मेरी 2nd ईयर पूरी हो गई है। और फिर CLC के अंदर यह है कि नाइट कैंप होते थे, पहले मुझे रात में लेट पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी पूरी 11th में, लेकिन फिर 12th के बाद मतलब काफ़ी मैंने नाइट कैंप भी ज्वाइन किए थे। उनके अंदर ये होता है कि रात को जब सब बच्चे पढ़ते हैं तो एक दूसरे को देखकर भी पढ़ने का मन करता है और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, और बहुत मेरे को हेल्प मिली थी बॉस से भी और पूरी CLC टीम से भी, काफ़ी सारे टीचर्स से भी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे नीट का जो सिलेक्शन है उसके अंदर पूरा 100% जो क्रेडिट है वो CLC टीम का है। थैंक यू।